हे हेलो एवरीवन, दोस्तों कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं अबाउट डिस्प्यूट सेटलमेंट रिजल्ट। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी बता दूं, जैसे कि आप लगातार मुझे मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि सर डिस्प्यूट का रिजल्ट कब आएगा, और मेरे पास कोई जवाब नहीं होता है दोस्तों। इसलिए मैं इस पर वीडियो भी बनाना अभी डिस्प्यूट को लेकर बंद कर दिया था। बट दोस्तों आज एक खुशखबरी आई है और आप में से बच्चों ने मुझे एक खुशखबरी दी है कि सर स्कूल की तरफ से मेरे पास जो है डिस्प्यूट के रिगार्डिंग एक मैसेज आया है, और स्कूल ने दोस्तों उस बच्चों को बुलाया था। आप स्क्रीन पर मैसेज देख सकते हैं, मैं आपको पूरा मैसेज शो कर रहा हूं। और इस मैसेज के द्वारा बच्चे ने कहा कि स्कूल ने मुझे बुलाया और सीबीएसई की तरफ से जो डिस्प्यूट का मेल स्कूल को प्राप्त हुआ था उस पर उसके सिग्नेचर लिए गए, और उस बच्चे के जो हैं दो सब्जेक्ट के नंबर इंक्रीज हो रहे थे, और वहाँ उसे सिग्नेचर लेकर स्कूल वालों ने दोबारा सीबीएसई को मेल कर दिया है। तो उनसे कहा गया है कि 10-15 दिन का वेट कीजिए, आपको जो नंबर है वो इंक्रीज होकर आ जाएंगे। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है डिस्प्यूट सेटलमेंट के रिजल्ट को लेकर। तो हम आशा करते हैं अब धीरे धीरे सभी बच्चों के स्कूल में जो है रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही आप सभी के स्कूल में रिजल्ट आएगा दोस्तों तो आप तक मैसेज जरूर आएगा, आपको कॉल या मैसेज स्कूल की तरफ से आएंगे। तो दोस्तों निश्चिंत रहिए, किसी भी प्रकार के पैनिक में ना। यदि आप अपने री एग्जाम पर फोकस करें तो उसे फोकस करिए। अगर डिस्प्यूट के रिजल्ट आएगा तो आपको मैसेज जरूर जाएगा। तो डिस्प्यूट के रिजल्ट के चक्कर में दोस्तों अपना जो फोकस है, अपना जो केंद्रित दिमाग है, आप अपने एग्जाम से ना हटाएं। जैसे ही आपके पास रिजल्ट आएगा दोस्तों उसके रिगार्डिंग आपको मेल मैसेज कॉल जरूर की जाएगी स्कूल की तरफ से। तो ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता था दोस्तों। और सभी बच्चों के एग्जाम अच्छे जा रहे हैं, लगातार बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि एग्जाम सर बहुत अच्छे जा रहे, बहुत ईजी जा रहे हैं। तो आने वाले सभी एग्जाम के लिए दोस्तों मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट करता हूँ कि आप अपने पेपर को अच्छी तरह दीजिए, एनसीईआरटी पर फोकस कीजिए। सारी चीज़ दोस्तों एनसीईआरटी से आ रही है। प्रीवियस ईयर्स का अगर आपके पास पेपर है तो उसे जरूर पढ़ के जाए, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन वहाँ से भी आ रहे हैं दोस्तों। बस यही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता था। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो इसे लाइक कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद।